अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हो। तो जी आज हम चिकन के कबाब बनाएंगे ग्रेवी के साथ। उसके लिए ये मैंने चिकन ले लिया, दो ब्रेस्ट के पीस थे, इनको मैंने धो के खुशक करके पानी फिर काटा है। मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया, 1 टीस्पून ये चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून साबुत है, 1 टीस्पून ऑरगैनो है, और ये तकरीबन 7 से 8 जवे थी लहसुन की जी, इनको मैंने चॉप कर लिया। हल्की सी हल्दी लिया, 1 टीस्पून काली मिर्ची है, 2 टीस्पून मैंने दादर मिर्ची ली है। ये जी मेरे पास 2 टीस्पून मैंने ले लिया भर के म्यूनिस की, और 3 टेबलस्पून ले लिया कोकोनट। ये 1 टीस्पून मैंने बटर ले लिया, इसको हल्का सा मेल्ट करके डालेंगे। और ये मेरे पास 6 स्लाइस हैं चीज़ के, और 1 टेबलस्पून हम लोग लेमन जूस लेंगे। ये मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए थे, इनको ब्राउन कर लिए। अब हर चीज़ को हम बारी बारी चॉप करेंगे। तो जी हमने सब चीज़ों को चॉप करके निकाल लिया। मेरे पास ग्रीन धनिया और ग्रीन चिली नहीं थी आज, आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। तो अब इसको कवर करके हम तकरीबन 20 मिनट फ्रिज में रख देंगे, तो फिर इसके कबाब बनाएंगे। ये जी ग्रेवी के लिए मैंने 3 से 4 जवे लहसुन की ली हैं, थोड़ा सा बटर डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो इसको ब्राउन करते हैं। ये हमारा लहसुन ब्राउन हो गया। अब इसमें 1 कप हम क्रीम ऐड करेंगे और 1 कप ही दूध का ऐड करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची डाली है, 1/2 टीस्पून ही काली ली है, और थोड़ा सा नमक डाला जी। तो जी ये बड़े मज़े के क्रीमी हमारे कबाब ग्रेवी वाले रेडी हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।